हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रेसअप विद प्रीत, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ हॉल वीडियोस एंड स्टाइलिंग वीडियोस। आज की वीडियो में ना मैं कुछ आपसे विंटर अप्रोप्रिएट स्वेटर्स शेयर करने वाली हूँ। मिंत्रा पर जो है अभी एंड ऑफ सीजन सेल शुरू होने वाली है, तो आपको बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स पे अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स जो हैं मिल जाएंगे। तो उन्हीं डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठाने अगर आप चाहते हैं तो आप इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ना आपको ये सब स्वेटर्स मिल जाएंगे। इन सबके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप ट्राई ऑन और प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो फर्स्ट स्वेटर है वो मैंने ये ब्लैक कलर के अंदर लिया है फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी, और मैंने सबके अंदर ना 36 बस साइज़ के अंदर स्वेटर्स ऑर्डर करे हैं। रीज़न बीइंग, क्योंकि सर्दियों के अंदर आप ना बिल्कुल फिटेड कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि आपको स्वेटर के नीचे भी कई बार क्या होता है कि वार्मर पहनना पड़ता है। तो अगर आप बिल्कुल परफेक्ट साइज़ अप्रोप्रिएट लेंगे तो वो आपको टाइट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एक साइज़ सब में एक एक साइज़ बड़ा लिया, अदरवाइज़ मेरा 34 साइज़ है। इस तरीके का ना ये स्वेटर है फुल स्लीव्स के अंदर, इसकी लूज़ स्लीव्स हैं। फ्रंट से ना इसका ये वाला लुक है और पीछे से इसका इस तरीके से डिफरेंट सा डिज़ाइन है। इस तरीके की डुअल टोन वाली जो है स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे इस तरीके से आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। फ्रंट बैक से इसकी इस तरीके की लुक है, मतलब बैक से बिल्कुल डिफरेंट लुक है। इसके अंदर एक और कलर भी ब्लू एंड पिंक कलर अवेलेबल था, वो आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये ब्लैक कलर एवरग्रीन कलर है, विंटर्स में पहना हुआ अच्छा लगता है। अच्छा फैब्रिक है इसका, मोटा है, वॉर्म है, सर्दियों के अकॉर्डिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, मुझे तो पहना हुआ भी अच्छा लग रहा था। आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड पीस जो है वो मैंने ये ना ब्लू कलर के अंदर अपना पुल ओवर लिया है इस तरीके से, थोड़ा सा ओवर साइज़ के अंदर है, ये अगेन 36 साइज़ है, बस थोड़ा सा ना खुला है। ये स्लीव्स के ऊपर ना इस तरीके से डिज़ाइन है इसका, फ्रंट से इसकी इस तरीके की लुक है और पीछे से इसकी इस तरीके की लुक दी हुई है। इसमें भी आपको टाइपोग्राफिक डिज़ाइन मिल जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, गर्म कपड़ा है, सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट फैब्रिक है। मुझे इसका भी जो है ना लुक अच्छा लग रहा था पहना हुआ, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, रेगुलर वेयर में कोई पहनना चाहते हैं तो इस तरीके के स्वेटर्स आप ले सकते हैं। फ्रंट एंड बैक से ना बिल्कुल सेम इसकी लुक है, लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन है ना ये बहुत ही सॉफ्ट सा आपका फैब्रिक है, ये बिल्कुल भी हार्श ऑन स्किन नहीं है, सॉफ्ट फैब्रिक है, अच्छा फैब्रिक है। ट्राई में देख लो आप किस तरीके का लग रहा है, क्वालिटी अच्छी है, मुझे अच्छा लगा है। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है, काफ़ी यूनिक से डिज़ाइन के अंदर ना पेपलम स्टाइल स्वेटर है ये, वुलन के अंदर पूरा ना इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, पेपलम स्टाइल के अंदर है ये। नेक पे इसके वीविंग दे रखी है इस तरीके से, बलून स्लीव हैं, स्लीव्स काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ से टाइट है लेकिन ये हिस्सा बहुत अच्छा है इसका। आप ट्राई ऑन में देख लो इसकी लुक कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत यूनिक और डिफरेंट सा डिज़ाइन लग रहा था। इसको मैंने अपने ब्लैक टाइट्स के साथ पहना है, स्लीव्स वाली टाइट्स के साथ पहना है। इसको आप टाइट्स के साथ ही पहनना, क्योंकि ऊपर से खुला है ना तो नीचे से कुछ टाइट्स पहनेंगे तो ही अच्छा लगेगा। इसकी फ्रंट से ये लुक है और पीछे से इस तरीके की लुक है। इसके साथ आप गला थोड़ा सा ना इसका ब्रॉड है, तो आप इसके नीचे ब्लैक कलर का हाई नेक पहन लो, आपका विंटर्स के लिए परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्टो बन जाएगा बिल्कुल। पीछे से इस तरीके की इसकी लुक है और फ्रंट से ऐसा है। फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा वॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ वॉर्म फैब्रिक है। अगर आप इसको हाई नेक के ऊपर से पहनेंगे तो आप स्टाइलिश लुक भी लगेगी आपकी और आपको विंटर में भी आपका काम चल जाएगा। अगला पीस भी जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये इस तरीके से ना ब्लैक कलर का लॉन्ग लाइन वाला स्वेटर है ये, ओवर साइज़ के अंदर, अगेन 36 बस साइज़ है बट ओवर साइज लुक वाला है ना, तो थोड़ा लूज़ है। पूरी स्लीव्स पे और डिज़ाइन और फ्रंट पे ऐसे लव लिखा हुआ है इसके ना, पूरा इस तरीके से डिज़ाइन है ये। इस पर भी आई गेस और कलर अवेलेबल था, आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे तो ब्लैक, मुझे ना ऐसे कलर्स न्यूट्रल कलर अच्छे लगते हैं, विंटर्स में पहने हुए ना अच्छी लुक क्रिएट कर सकते हैं आप, यूज़ कर सकते हैं इसको मल्टीपल तरीके से। इसको आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं, ट्राउज़र के साथ, स्कर्ट के साथ, टाइट्स के साथ, सबके साथ पहन सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा वॉर्म है, हाई नेक के अंदर है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सर्दी में पहनना है इसको तो आप इसके नीचे कोई थर्मल पहन लो, थर्मल के ऊपर से आप इसको कैरी कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के अंदर स्वेटर है, अच्छी लुक के अंदर है। इसको आप ब्लैक कलर की वुलन स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, इनफैक्ट उसके साथ भी काफ़ी अच्छी लुक देगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत डिसेंट सी लुक है इसकी और कैजुअल वेयर के लिए तो इस तरीके के आउटफिट्स ना कैजुअल वेयर के अंदर स्वेटर्स बहुत ही प्यारे लगते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मैंने इस तरीके से ना रस्ट शेड के अंदर स्वेटर लिया है, इसकी स्लीव्स के ऊपर जो है ना ऐसे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट दिया हुआ है पूरा, फ्रंट से और बैक से ना बिल्कुल प्लेन है ये,
बिल्कुल प्लेन है, बस इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो स्लीव्स पे एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट है। ये भी मैंने जो है ना 34 साइज़ में लिया है। ये ना एक्रेलिक फैब्रिक में, बाकी जो थे ना वो वुलन फैब्रिक में थे। ये एक्रेलिक फैब्रिक के अंदर है ना थोड़ा पतला रहेगा, तो इसको अगर आप ज़्यादा विंटर्स में पहनना चाहते हो तो अगेन आप इसको लेयर करके पहन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लाइट विंटर्स में पहनना है तो आप इसको नॉर्मल भी इस तरीके से पहन सकते हैं विदाउट एनी इनर। फ्रंट से और बैक से इसकी इस तरीके से लुक है। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर है। सारे ही जितने भी मैंने आज आपके स्वेटर्स शेयर करे ना, सारे बहुत अफोर्डेबल रेंज में, कुछ भी ओवर प्राइज्ड नहीं है इनमें से क्वालिटी और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत डिसेंट सा सिंपल सा स्वेटर है। इसको आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप आराम से ट्राउजर्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ, दोनों के साथ पहन सकते हैं, दोनों के साथ अच्छा लगेगा। नेक्स्ट स्वेटर जो मैंने लिया है ना, वो मैंने अगेन पेपलम स्टाइल के अंदर लिया है। इस तरीके से केबल निडेड फैब्रिक है ये। स्लीव्स जो है ना इसकी बलून स्लीव, जैसे पफ स्लीव है ऊपर से, और आगे इस तरीके से जो बैंड दे रखा है ना, काफ़ी चौड़ा बैंड है ये हाथों के ऊपर। फ्रंट से इसका ये वाला लुक है, पीछे से और फ्रंट से ना दोनों से सेम लुक है। यहाँ पे बीच में जो है आपको सिंच्ड लुक के लिए क्रिएट करने के लिए, मतलब सिंच्ड लुक देने के लिए जो है आपको यहाँ से थोड़ा सा फिटेड दिया गया है। अदरवाइज इट्स इन पेपलम लुक। फ्रंट और बैक दोनों सेम है, हाई नेक के अंदर है, केबल नेक फैब्रिक है, मोटा फैब्रिक है, विंटर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है, वॉर्म है। अगेन आपको ज़्यादा विंटर्स में पहनना है तो हर स्वेटर को आप लेयर करके पहन लो। अदरवाइज लुक के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग आप देख लो लुक कैसा है, प्राइस के अकॉर्डिंग और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बहुत यूनिक सा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन है। अगर कुछ यूनिक सा प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं तो इस तरीके के स्वेटर्स पे आप जा सकते हैं, मुझे अच्छा लगा था, चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्वेटर जो है ना, अगेन वो भी बहुत ही ज़्यादा लूज फिट और ओवर साइज फिट के अंदर है। इसको भी जो है ना मैंने 36 बस्ट साइज़ में ही लिए हैं, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा लूज है ये, देखते हैं। इस तरीके का ना ये स्वेटर है, यहाँ पे इसके थ्रेड से डिज़ाइन दिया हुआ है, यहाँ पे भी डिज़ाइन दे रखा है। इसके फ्रंट पे पूरा डिज़ाइन है और स्लीव्स पे भी इस तरीके से इसके डिज़ाइन है। बहुत खुला खुला सा स्वेटर है। मुझे थोड़ा सा एक साइज़ डाउन, अगर मुझे थोड़ी फिटेड लुक में चाहिए ना तो मैं एक साइज़ डाउन भी जा सकती हूँ, वो भी चलेगा। ये इस तरीके से इसका फ्रंट से लुक है, पीछे से ये प्लेन है, मतलब इसके ना आगे आगे पे डिज़ाइन दे रखा है। ओवर साइज़ लुक, बैगी लुक आपको कोई चाहिए तो बैगी लुक के हिसाब से तो परफेक्ट है, आप जा सकते हैं इस तरीके के स्वेटर्स पे। ये मैंने रोडस्टर ब्रांड से लिया है। रोडस्टर ब्रांड के भी ना मिंत्रा पे आपको बहुत ही अच्छे प्राइजेस पे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के अंदर जो है स्वेटर्स मिल जाएंगे। ऐसे थ्रेडवर्क वाले ना उसमें और भी स्वेटर्स थे, मैं चेकआउट करूँगी, अगर मुझे और अच्छे मिलते हैं ना तो मैं ऑर्डर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करने के लिए। तो लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं इसके बाद कौन सा है। लास्ट एंड फाइनल स्वेटर जो मैंने लिया ना, वो इस तरीके से डबल टोन डुअल टोन के अंदर लिया है। फ्रंट और बैक से दोनों से अलग अलग है। फ्रंट पे इस तरीके से लाइट क्रीम कलर है और पीछे इस तरीके से इसके ब्राउन कलर है, तो मतलब आप इसको दोनों तरफ से पहन सकते हैं, चाहे आप इसको आगे कर लो चाहे आप इसको आगे कर लो। इसका भी अगेन फैब्रिक जो है ना एक्रेलिक मटेरियल है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी विंटर्स के लिए नहीं है, लाइट विंटर्स अगर है ना तो उनमें आप इसको पहन सकते हैं। फ्रंट से इसका पूरे के ऊपर ना ऐसे निटेड वाला डिज़ाइन बना हुआ है। इसकी क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ी और अच्छी या मोटा कपड़ा हो सकता था, बट इसका थोड़ा कपड़ा मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी, डिज़ाइन और अच्छा हो सकता था, बट ठीक है, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा है। ट्राई ऑन में देख लो आप किस तरीके का लग रहा है, इसकी ओवरऑल लुक आपको दिख जाएगी। मैंने इसको आई गेस स्टाइल अपनी वुलन स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है, आप इसको ट्राउजर्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, जीन्स के साथ भी, सबके साथ सही लगेगा पहना हुआ। तो यस, ये थे आज के सारे प्रोडक्ट सारी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप जरूर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।